शराब ऐप के पहले दिन थी, लोगों ने खरीदी 4 करोड़ से ज्यादा की शराब। प्रदेश में आंखों में ब्लैक फंगस के लक्षण, इंजेक्शन बाजार से गायब, किसी स्टोर में नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। वहीं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां ऑनलाइन दारू दवाएं कब दोगे सरकार। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 10 मई से शराब की शुरू हुई होम डिलीवरी। छत्तीसगढ़ में शराब की लत ने निगली कई जिंदगियां। सरकार ने शुरू की शराब की ऑनलाइन डिलीवरी सेवा। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्य विपक्षी पार्टियां जमकर कर रही विरोध। जिस तरीके से कोरोना दिन पर दिन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। एक ही दिन में 4.5 करोड़ का मिला ऑर्डर। विरोध में कई बड़े नेताओं ने किया शोर। ऑनलाइन दारू दवाएं कब दोगे सरकार। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ऑक्सीजन बेड और दवाओं की कमी जान ले रही है, लेकिन शराब की घर पहुंच सेवा मुहैया कराना कितना सही है। बार बार लोग अब सरकार से सवाल भी कर रहे हैं कि दवाएं कब दोगे सरकार। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 10 मई से शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। बता दें कि सरकार ने शुरू की शराब की ऑनलाइन डिलीवरी सेवा शुरू कर दी गई है। 10 मई से ये ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी गई है। मुख्य विपक्षी पार्टियां इसका जमकर विरोध कर रही हैं। कई नेताओं ने ट्वीट किया है। बता दें कि एक ही दिन में 4.5 करोड़ का ऑर्डर मिला। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लॉकडाउन भी है, लेकिन शराब की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी गई है। इसी खबर के साथ और भी जानकारी के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं संजय श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता हैं मनीष जिज्ञासी, वहीं स्टेट हेड है छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सर्वेश सिंह, वहीं बिलासपुर से संवाददाता निखिलेश लाल मौजूद हैं। निखिलेश से जानना चाहेंगे, निखिलेश, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और शराब की बिक्री भी देखने को मिल रही है, क्या जानकारी है आपके पास? सोनाली, मैं बता दूं, निश्चित तौर पर शराब एक सामाजिक बुराई है और इसको लेकर के ही राजनीति अब हावी हो चुकी है प्रदेश में। जिस प्रकार से भूपेश सरकार ने ऑनलाइन शराब की बिक्री को लेकर के तैयारियां की है, ऑनलाइन डिलीवरी चलाई जा रही है, और इसको लेकर के विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं कि जहां कोविड वैक्सीन की जरूरत है, जहां वैक्सीनेशन को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, वहां पर उस वैक्सीनेशन को छोड़ करके प्रदेश सरकार दारू बांटने जा रही है, मदिरा बांटने जा रही है, तो इसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं और इस पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। मैं बता दूं कि यहां पिछले वर्ष जो कि सरकार के लिए एक राजस्व का एक प्रमुख स्रोत आपका मदिरा ही है, मदिरा एक राजस्व का प्रमुख स्रोत बना हुआ है और कहीं ना कहीं राजस्व अभी सरकार के नीति और निर्धारण के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो निर्धारित जो दरें प्रदेश केंद्र सरकार ने निर्धारित करी है, उसको लेकर के प्रदेश सरकार ने सवाल उठाए थे और राजस्व और जो नीति जो बनी हुई है प्रदेश सरकार ने जो जिस नीति को लेकर के ऑनलाइन डिलीवरी का जो फैसला किया है, प्रदेश में लगातार कई जगह से शिकायतें मिली थी और मौतें भी हुई थी। जो नशे के आदि लोग हैं वो किसी दूसरे नशे के कारण में सिरप हो गया या फिर अन्य मादक पदार्थ हो गया, उसका सेवन करके ये मौत के आगोश में समा गए हैं। इसका प्रमुख कारण भी यह रहा है कि प्रदेश में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, क्योंकि लॉकडाउन की जो अवधि है वो अवधि में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बंद पड़े हुए हैं और प्रदेश में ज्यादातर रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो बंद पड़े हुए हैं, और ये प्रमुख कारण है कि शराब नीति जो है, शराब जो सामाजिक जो बुराई है उसको छोड़ने में लोग भी आगे आने के उत्साह दिखाते हैं, पर ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के ना होने के कारण में वो लोग आदी हो चुके हैं, जो वो इस
इस मदिरा के जाल से निकल नहीं पा रहे हैं। जी सोनाली जी जी, हमारे साथ सर्वेश भी मौजूद हैं। सर्वेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, वहीं अब लॉकडाउन के बीच अब ये शराब की होम डिलीवरी की जा रही है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए सोनाली, इसमें सबसे पहले समझने की एक बहुत ही आवश्यक बात जो वो है, ये है कि राजस्व का और शराब का, किसी भी सरकार हो, वो स्थानीय सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, शराब और राजस्व ये दोनों का चोली दामन का साथ है। किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है शराब, जो राजस्व के रूप में जो उसको प्राप्ति होती है। सेम उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी, जैसे पिछले साल का लॉकडाउन था, पिछले साल के लॉकडाउन में शराब को चालू रखा गया था, शराब के ठेकों को चालू रखा गया था। इसमें जिस तरह से पूर्ववर्ती शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासन काल में डॉक्टर रमन सिंह को चाउर वाले बाबा, चावल वाले बाबा की उपाधि मिली थी, सेम उसी प्रकार से वर्तमान जो सरकार है भूपेश बघेल जी की, उनको दारू वाले बाबा की उपाधि पिछले साल विपक्ष, प्रमुख विपक्षी दल सहित अन्य लोगों ने भी दे दी थी। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति ये बन जाती है, सरकार करे तो क्या करे, उन्हें तो राजस्व चाहिए, उन्हें अपनी जनता को बचाना है, उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवानी, तो वो कहाँ से उपलब्ध होगी, तो इसके लिए राजस्व चाहिए। तो यदि सरकार ने यह सोचा है कि मैं शराब बेच के, ऑनलाइन शराब बेच के कुछ राजस्व की प्राप्ति कर लूं, इसके अलावा मैं इन सारे राजस्व प्राप्ति के पैसों को जनता की सेवा के लिए, दवाइयों के लिए, उनके सुविधाओं के लिए इस्तेमाल कर लूं, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन चूंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना आरोप प्रत्यारोप के राजनीति नहीं चल सकती। उदाहरण के लिए ऑनलाइन प्रदेश सरकार ने जैसे ही शराब की बिक्री की घोषणा की और शुरुआत की, वैसे ही प्रमुख विपक्षी दल ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चालू कर दिया, शराब बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा कि राजस्व की प्राप्ति कहीं ना कहीं से तो होनी है। इसके अलावा यदि कांग्रेसियों की बात करें, जो वर्तमान काबिज हैं, यहाँ सत्ता में है छत्तीसगढ़ में, उनकी यदि बात करें, उन्होंने भी चुटकियां लेना कल से, परसों से प्रारंभ कर दिया, जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए। तो समय, आज के समय जो है वो ये है कि हमें ये समझना है कि हम महामारी में जी रहे हैं, हमें राजनीति को बिल्कुल परे कर देना है, हमें एक दूसरे का हाथ थामना है। जी जी सर्वेश, सर्वेश हम जानना चाहते हैं, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि राजस्व बहुत जरूरी है, लेकिन आम लोगों की जान भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि जान से ज्यादा शराब इतनी जरूरी नहीं है जो ये ठेके खोल दिए गए हैं, शराब की दुकानें खोल दी गई है। देखिए सबसे पहले मैं करेक्शन कर दूंगा कि यहाँ शराब की दुकानें छत्तीसगढ़ में नहीं खोली गई हैं, ऑनलाइन बिक्री यहाँ पर की जा रही है। मैंने उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए किया था कि उत्तर प्रदेश जी सर्वेश, जिस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरी भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये भी कहती है घरों में रहे, सुरक्षित रहे, और ऑनलाइन बिक्री से जो होम डिलीवरी करने आएंगे, क्या उनसे संक्रमण नहीं फैल सकता? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि संक्रमण तो कैसे भी फैल सकता है, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि राजस्व प्राप्ति का, जैसे हमने वर्तमान सरकार में और कांग्रेस से जुड़े कई पदाधिकारियों से जब हमने बातें की, तो उनका कहना था कि हमें केंद्र सरकार से उस तरह की मदद नहीं मिल पा रही है, आर्थिक मदद हो चाहे दवाइयों के माध्यम से हो, जो हमें चाहिए, तो ऐसे में वो आर्थिक स्रोत कहां से उत्पन्न करें, ये कांग्रेसियों का कहना। वही हम जब भाजपा से पूछते हैं कि भाई आपके द्वारा, कांग्रेसियों का कहना केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही, तो उनका कहना कि नहीं मदद हो रही है, लेकिन ये अपने अपने राह बजा रहे। कुल मिला के यही कहा जा सकता है, राजनीति केवल हो रही है, महामारी को के बचाव के लिए कोई भी दल विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मनीष जिज्ञासी भी मौजूद है। मनीष जी से जानना चाहेंगे, मनीष जिस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, वहीं लोगों की इस वक्त जान भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों ऐसा कदम लिया गया है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का भी खतरा है? इस संक्रमण की कोई मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, इससे संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। आज जो छत्तीसगढ़ राज्य है, राजस्व के से जूझ रहा है, आज एक साल हो गया कोरोना को, आप देख लीजिए पिछले साल से इस साल, पिछले बार शराब बिकी की थी दुकानों में, तो लोगों ने बोला भीड़ लगेगी, संक्रमण फैलेगा। राजस्व को देखते हुए और
आम जनता बार बार सरकार से निवेदन कर रही थी कि शराब बेचिए, लेकिन शराब कैसे बेचेंगे आप, पहले से ही संक्रमण इतना फैल जाता है भीड़ भाड़ के कारण। तो ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई, ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, आप लोग बोलते हो कि इससे भी संक्रमण फैलेगा। और अगर शराब नहीं बिकेगी तो राजस्व नहीं आएगा। आप पहले दिन का राजस्व देख लीजिए, 10 लाख लोगों ने लगभग बुकिंग कराई है और 4 से 5 करोड़ रुपया एक ही दिन में हमारे पास आ गया। अब ये बताइए आप जी मनीष जी, अगर जिस तरीके से दवाइयों की भी किल्लत होती हुई नजर आ रही है इस कोरोना काल के बीच, अगर शराब की जगह दवाई दी जा रही होती होम डिलीवरी में तो ज्यादा अच्छा रहता। आपको जानकारी दे दूं कि जो जैसे ही खबर लगती है नगर निगम को, सरकारी अमले को कि इस घर में कोविड पेशेंट है, तो उसको किट उपलब्ध की जाती है, कराई जाती है पूरी फैमिली को। और उसके बाद दवाइयां जो है, दवाइयां अपने हिसाब से जी जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां गाजियाबाद से, जहां भीषण आग देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से यहां पर भीषण आग लग चुकी है। आग की लपटें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे एक भयावह रूप देखने को मिल रहा है आग का। लगातार हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, जहाँ आग की लपटें काफ़ी भयावह देखने को मिल रही है। वहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना में लगातार कोरोना दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजस्व को बढ़ाने के लिए शराब के ठेके खोल दिए गए हैं यूपी में। वहीं छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन डिलीवरी की बिक्री की जा रही है, ऑनलाइन दारू बिक्री की जा रही है। वहीं जनता अब सरकार से ये अपील कर रही है, ये सवाल उठा रही है कि सरकार दवाई कब दोगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हमारे संवाददाता मौजूद है, जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हमारे साथ निखिलेश मौजूद है। निखिलेश जानना चाहेंगे, निखिलेश जिस तरीके से अब शराब की होम डिलीवरी हो रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? सोनाली मैं बता दूं, बुद्धिजीवियों के अनुसार में मुंगेली के जनप्रतिनिधियों से जब हमने बातें की है शराब की ऑनलाइन बिक्री को लेकर के, और नगर के वासियों से भी, मदिरा प्रेमियों से भी हमने बातें की है, मदिरा प्रेमियों में तो काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक मदिरा के आदि हो चुके हैं और लंबा वक्त हो जाता है लॉकडाउन का। पिछले वर्ष की अगर बात करें लॉकडाउन में, तो पिछले वर्ष 191 करोड़ रुपए का राजस्व 3 महीने के लॉकडाउन में ही प्राप्त हुआ था, और 191 करोड़ की मदिरा यहाँ के जिले वासियों ने, मुंगेली जिले के वासियों ने मदिरा का सेवन करके सेवन किया था। और इस लॉकडाउन की अवधि में भी अभी महीने भर से ज्यादा हो चुके हैं, और जो आदि हो चुके हैं, जो शराब के जो और मदिरा के जो आदि हो चुके हैं, उनमें भी जो पीड़ा देखने के लिए मिली है, और कहीं ना कहीं जो अपराध का ग्राफ भी है, जिसको बताते हैं क्राइम इंफॉर्मेशन में जब हमने जानकारी ली, तो क्राइम का ग्राफ जरूर गिरा है, परंतु वही एक दूसरा जो ग्राफ है जो अवैध शराब का है, जो अवैध शराब जो दूसरे राज्यों से आती है, उसके मामले जो थोड़े सामने आए हैं, और वही जो देशी जो महुआ हो गया और जो भट्टी वाली शराब होती है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर उत्पादन किया जाता है, वो उनकी बिक्री में खासा इजाफा हुआ था, और उसको लेकर कहीं मदिरा प्रेमी अपने घरों से निकलते और वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को चकमा दे करके और वो वहां तक पहुंचने में सफल हो जाते और ये मामले सामने आते रहे। तो बुद्धिजीवियों के मानने के अनुसार में कोरोना संक्रमण में जहां लॉकडाउन की जो बातें हैं, जो लॉकडाउन की प्रोटोकॉल है, उसको तोड़ने और उस कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन का पालन में शराब प्रेमियों, मदिरा प्रेमी भी उसमें सफल नजर आ रहे थे। तो इसको लेकर के ही जब हमने बातें की है, तो ये बातें सामने आई हैं कि मदिरा का जो ऑनलाइन डिलीवरी है वो ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है। जी निखिलेश, जिस तरीके से ये ऐप भी खोल दिया गया है, ऑनलाइन डिलीवरी की जा रही है, इससे घरेलू हिंसा भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या ऐसा कुछ जानकारी देखने को मिल रही है? जी निश्चित तौर पर सोनाली, जिले में रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई थी और प्रदेश में भी की गई थी, प्रदेश के प्रमुख जिलों में की गई थी। ये शिकायतें ज्यादातर छोटे थानों से लेकर के बड़े थानों में भी शिकायतें हमेशा मिलती है कि घरेलू हिंसाएं बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं उसकी वजह शराब और मदिरा ही है। और इसको लेकर के जब लॉकडाउन अवधि में, इस अवधि में जब शराब का बिक्री नहीं हो रही थी, तो छुटपुट घटनाओं के सिवा उस ग्राफ में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ था, और यही कारण रहा है कि शराब प्रेमी जो है वो अपने घरों में सीमित रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करते रहे,
तो इस ग्राफ में काफी कमी आई है। और अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो हाल फिलहाल में एक भी मामले ऐसे नहीं आए हैं जो शराब को लेकर के मुंगेली जिले में घरेलू हिंसा को उत्पन्न किया है। हमारे साथ मनीष भी है। मनीष, जिस तरीके से ऑनलाइन होम डिलीवरी की जा रही है और शराब की बिक्री हो रही है, इसमें राजस्व जिस तरीके से बढ़ते हुए आपने बताया कि 4 लाख के पार लोगों ने ऑर्डर किया है, लोगों को शराब मिली है, वहीं कहीं ना कहीं अगर कोरोना काल के बीच दवाएं का सेवन किया जाता, दवाएं मिल रही होती लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से बेड की कमी देखने को मिल रही है और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, दवाएं नहीं मिल पा रही है, वहीं अब ये शराब की बिक्री हो रही है ऑनलाइन, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर कि जिस तरीके से कोरोना काल के बीच शराब बिक्री हो रही है सिर्फ राजस्व के लिए? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मनीष जी, मनीष जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, मनीष जी आप बोलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। शुरुआत में जब सोनाली जी, जब शुरुआत में कोरोना, उस समय कोरोना का प्रदेश में 46% रेट था जी, मतलब अगर 100 आदमी टेस्ट करवा, 100 आदमी अगर टेस्ट करवा रहे तो 40 कोरोना के पेशेंट हो रहे थे। ठीक है, आप बोलते हैं दवाई नहीं पहुंच रही, आज छत्तीसगढ़ में इतना जबरदस्त रिकवरी रेट है। आज हमारे दुर्ग की बात ले लीजिए, मैं दुर्ग में निवास करता हूं, आज मैं दुर्ग की बात करता हूं, तो कल मात्र 229 पेशेंट आए हैं पॉजिटिव, मात्र 229, और रिकवरी रेट इतना जबरदस्त हो गया है, अब आने वालों की संख्या मात्र 7% रह गई है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो रहा है? बहुत जबरदस्त इलाज हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरुआती 1-2 दिन के पूर्व भी दिए बहुत जबरदस्त इलाज किया है, और हर अस्पताल में ऑक्सीजन इंजेक्शन हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। कहीं भी अगर हड़बड़ी में कुछ पेशेंट आ जाते हैं, बहुत बहुत तादाद में, आप ही के घर में अगर मेहमान आ जाए, बहुत तादाद में 20-25 मेहमान एक साथ आ जाए, तो आप खुद हड़बड़ा जाओगे। वो तो हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में एक साथ 10-20 हजार पेशेंट आ जाए तो हॉस्पिटल वालों का क्या हाल होगा? तो कुछ दिन स्थिति संभालने के लिए मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो हमारी सरकार ने बराबर 1-2 दिन में स्थिति को संभाला और बराबर लोगों को दवाई और बराबर इलाज उपलब्ध करा रही है। बोलिए सोनाली जी। जी मनीष, आपसे और भी जानकारी आपसे हासिल करेंगे और भी चर्चाएं होंगी इसको लेकर के। जिस तरीके से कोरोना दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब शराब की बिक्री हो रही है, वो भी होम डिलीवरी हो रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम लगातार आपसे जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि जिस तरीके से अब कोरोना काल के बीच शराब की होम डिलीवरी की जा रही है, दवाई ना देते हुए शराब की होम डिलीवरी की जा रही है, लगातार राजस्व को बढ़ाने के लिए होम डिलीवरी की जा रही है, इसी पर तमाम चर्चाओं के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हम सर्वेश से जानना चाहेंगे। सर्वेश, जिस तरीके से लगातार शराब के ठेके यूपी में शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, शराब की दुकानें खोल दी गई हैं लॉकडाउन के बावजूद भी, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, संख्या में इजाफा हो रहा है। जी सर्वेश, ऑनलाइन शराब बिक्री को लेकर 2 दिन मात्र आज तीसरा दिन है, तो आंकड़े अगर देखे जाए तो शुरुआती दौर में शराब की जब बिक्री प्रारंभ की गई थी तो इतनी ज्यादा तादाद में लोगों ने उसमें अप्लाई कर दिया कि सर्वर डाउन हो गया।
आखिरकार स्थिति ये बन गई कि अभी जैसे छत्तीसगढ़ के मात्र एक कोरबा जिले की अगर हम बात करें, कोरबा जिले में ही मात्र एक दिन में ही 15 से 20 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है मात्र शराब के, लेकिन वो पूरी आपूर्ति नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं उत्साह तो है लोगों में, मदिरा प्रेमियों में, वहीं सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि ऑनलाइन के माध्यम से वो कुछ शराब बिक्री करके राजस्व की प्राप्ति सरकार यदि कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है सरकार की निगाह में, लेकिन आम जनता की निगाह में यह है कि उन्हें वक्त पे दवा दारू, जैसा अब दारू शब्द जुड़ गया है तो जैसा अमूमन लोगों ने मजाक में कह दिया कि दवा और दारू समय पर मिल जाए तो दोनों का भला हो जाएगा, तो सरकार के लिए अगर दारू बिक्री है तो उसमें राजस्व की प्राप्ति होगी और इसके जो राजस्व की प्राप्ति होगी उसको देखकर आम जनता को यदि वो दवाएं पहुंचा देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो ये बिक्री का इनका जो एक प्रपोजल है, एक जो प्रस्ताव है, वो सही साबित हो सकता है। जी जी सर्वेश, हम ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से दवाओं की भी कमी बताई जा रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए दवाएं को लेकर अभी परिस्थितियां ये हैं कि जो स्ट्रेंथ है कोरोना का, जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ को समझने में काफी टाइम लग रहा है। नए नए तरीके, नए नए प्रकार, अभी जैसे आपने अभी ब्लैक फंगस की बात की थी जो बच्चों में अमूमन पाए जा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन को लेकर अभी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वैक्सीनेशन पर कि टीका लगवाइए और अपने आप को अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। इसके अलावा जो अन्य जो गुण पाए जा रहे हैं लोगों में, एक्टिविटीज पाई जा रही हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार की, इसलिए कहा जा सकता है कि जो आम दवाइयां दी जा रही हैं, जो हर मरीज को उपलब्ध कराई जा रही है, कोविड पॉजिटिव मरीज को उपलब्ध कराई जा रही है, उसके अलावा भी कई दवाइयों की आवश्यकता है जिसे केंद्र से लेकर राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक हर प्रतिनिधि को, शासन प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। जी सुना जी, हमारे साथ हम मनीष से जानना चाहेंगे। मनीष जी, जिस तरीके से शराब की बिक्री हो रही है, वहीं पहले ही दिन में 4 लाख के पार लोगों ने ऑर्डर किया है और शराब होम डिलीवरी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से लगातार संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है शराब को देखते हुए, होम डिलीवरी जिस तरीके से संख्या बढ़ी हुई है 4 लाख के पार, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है 4 लाख एक दिन के अंदर। राजस्व तो आपका ठीक है, राजस्व आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से अगर ज़्यादा मात्रा में शराब लोग ले लेते हैं तो। नहीं, जान का कोई खिलवाड़ नहीं है, जान का खिलवाड़ इसमें क्या है, आप अपनी स्वेच्छा से लोग शराब खरीद रहे हैं, कोई एक बोतल खरीदता है, कोई दो बोतल खरीदता है, और जैसा सरकार के पास उपलब्ध होगी वैसा सरकार ऑर्डर लेगी। जिस मतलब अगर 10 लाख ऑर्डर आते हैं तो उपलब्ध होगी, जैसे जैसे वैसे पहुँचाएगी, इसमें कोई जान जोखिम वाली बात नहीं है। और शराब जो है अपनी सुरक्षा से पहुँचेगी, जो भी साधन संसाधन सरकार के पास होंगे पहुंचाने के, वो पहुंचाया जाएगा। जी मनीष जी, जिस तरीके से शराब, हमने पहले भी खबरों में देखा है कि हिंसा होती आ रही है, घरेलू हिंसा होती है, वहीं अब ऑनलाइन ऑर्डर अगर दे दिया गया है तो ज़्यादा घरेलू हिंसा की खबरें सामने आ सकती है। इसको देखते हुए सरकार का क्या कुछ निर्णय है, क्या फैसला लेगी इसको लेकर के, क्योंकि घरेलू हिंसा देखने को मिलती है लगातार, जो लोग गरीब है शराब नहीं ले पाते हैं लेकिन शराब से ज़्यादा लगती है। अभी ऐसा कोई मामला घरेलू हिंसा का सुनाई नहीं दिया है और ना कहीं आया है, और शराब के कारण तो लड़ाई झगड़े कई सालों से, कई वर्षों से चलते आए हैं, उसके लिए क्या है? मनीष जी, इसी को ही तो हमें रोकना है ना, हम हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। नहीं, मानसिक तौर पे भी अभी लोग महीने भर से घर में है, आज खुद आप देख लीजिए 6 तारीख से लॉकडाउन लगाया गया, आज 1 महीना पार हो गया, अब जो आदमी घर से रोज निकलता है और वो घर में नहीं निकल पाएगा तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा घर में, इसमें शराब को दोष देना गलत बात है। नहीं सर, जिस तरीके से पहले भी देखा गया है और लगातार जो लोग शराब के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं लोगों के पास, अब तो ऑनलाइन डिलीवरी कर दी है, और ज्यादा हिंसा बढ़ने के खतरा देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको एक जानकारी मैं दे दूं, ऑनलाइन डिलीवरी जिसकी हो रही है, जिसका पैसा पेड हो रहा है उसको ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, पहले ही उससे पैसा ले लिया जा रहा है, बाद में उसको शराब दी जा रही है। आप ऑनलाइन
उसका कार्ड से चाहे जैसे भी फोन पे से जैसे भी पे करते हैं पे कर दीजिए, उसके बाद आपके यहाँ शराब पहुंचेगी। आप बाद में पैसा देने वाली कोई बात ही नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो आपको शराब मिलेगी। ये हाल है सोनाली जी, बताइए। जी मनीष जी, यही तो सवाल है कि अगर पैसे है, जिस तरीके से आपने बताया कि पैसे पहले पे करेंगे उसके बाद ही शराब दी जाएगी, लेकिन इससे घरेलू हिंसा बढ़ सकती है क्योंकि लोग पैसों के लिए मारपीट भी करते हैं, जैसा कि आप पहले सुनते ही आ रहे हैं। तो यही हमारा सवाल है, इसको कैसे रोका जाएगा? इसके लिए तो हमें पहले से प्रिपेयर होना ही पड़ेगा ना, ताकि आगे इस चीज़ की घटनाएं ना हो पाए। अब ये शराब की जो शराब पीने वाले की मानसिकता और घर वालों की मानसिकता पे डिपेंड करता है सोनाली जी। इसमें हम क्या बताएंगे कि घरेलू हिंसा किस चीज के लिए हो रही है, पैसे के लिए हो रही है, शराब के लिए हो रही है, किसी अन्य कारण के लिए हो रही है? जी मनीष जी, जरूरत ही क्या है ऑनलाइन शराब देने के लिए, बिक्री करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोरोना, क्या जरूरत है? आज ये छत्तीसगढ़ सरकार ही ऐसी सरकार नहीं है जिसने ऑनलाइन शराब चालू की है। आज बीजेपी शासन की योगीनाथ सरकार ने यूपी में सारे ठेके किए और वो शराब बेच रही है, खुले रूप से शराब बेच रही है। हमारी सरकार के पास संसाधनों की कमी है। जी मनीष जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश जी, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निखिलेश जी, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वही कहीं ना कहीं शराब की बिक्री हो रही है। नेताओं विपक्ष इस पर ट्वीट करते हुए विरोध भी जता रहे हैं कि आखिर क्यों ऑक्सीजन और जिस तरीके से दवाएं नहीं दे पा रही है सरकार, लेकिन शराब ऑनलाइन दी जा रही है। फिलहाल के इतना है, बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया।